हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल, देखिए सिंपल डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडी स्वेटर, बेबी फ्रॉक, बेबी ब्लैंकेट, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए ये डिजाइन सिर्फ 4 रोज का डिजाइन है, आपको ये 4 रो रिपीट करते जाना है। देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2 एज स्टीजन फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2। देखिए रॉन्ग साइड पे इसे दिखता है, रॉन्ग साइड पर आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है एवरी रॉन्ग साइड रोज। ये डिजाइन आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 3 4 टाइम्स 3 12 प्लस 2 एज स्टिच करके टोटल 14 फंदा डाला है। देखिए रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, देखिए रो 1 स्टार्ट करते ही राइट साइड से, रो 1 में आपको सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है राइट साइड। देखिए सब आपको सीधा बुन के कंप्लीट करना है। रो 1 कंप्लीट कर लिया है, अब देखिए रो 2 रॉन्ग साइड आपको उल्टा बुन के सब कंप्लीट करना है। देखिए रो 2 कंप्लीट कर लिया है, अब रो 3 राइट साइड। अब यहाँ पर आपको डिजाइन बनाना है। देखिए फर्स्ट में एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको देखिए 3rd फंदा, आपको 3rd स्टिच 1 2 3, ये 3 फंदा के नीचे से आपको देखिए फर्स्ट होल से, यहाँ से आपको देखिए फर्स्ट होल से यहाँ से 1 फंदा ड्रॉ करना है। फिर आगे के 2 फंदा सीधा बुने, आपको इसे लंबा खींचना है, 2 फंदा सीधा 1 2। अब देखिए 3rd स्टिच को आपको ड्रॉप करना है, देखिए नीचे से हमने यहाँ पर 1 फंदा ड्रॉ किया है, इसलिए आपको फर्स्ट ऊपर के 1 फंदा आपको इसे ड्रॉप करना है। अब आपको ये रिपीट करते जाना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर 1 फंदा ड्रॉ करना है, 2 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा ड्रॉप करना है। अब ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट, देखिए 3rd स्टिच के देखिए 1 2 3, यहाँ से आपको 1 फंदा ऐसे ड्रॉ करना है, फिर 2 फंदा सीधा 1 2, फिर 1 फंदा ऐसे ही ड्रॉप करना है। देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, फिर से 1 फंदा यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, 2 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा आपको ड्रॉप करना है। देखिए लास्ट रिपीट, यहाँ से आपको 1 फंदा ड्रॉ करना है, फिर 2 फंदा ऐसे सीधा, फिर 1 फंदा ड्रॉप। देखिए यहाँ पर 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, फिर लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा सीधा बुनना है। देखिए रो 3rd कंप्लीट कर लिया है, 3 रो। अब रो 4 रॉन्ग साइड आपको उल्टा बुन के कंप्लीट करना है लास्ट रो। देखिए एक एक करके आपको उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए रो 1 कंप्लीट कर लिया, सॉरी रो 4 कंप्लीट कर लिया है, रो 4 में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको 1 से 4 रो तक ही रिपीट करते जाना है। देखिए फिर से यहाँ से आपको रो 1 से स्टार्ट करना है राइट साइड से, कि फिर आपको लास्ट में
इस सबको ले जाना आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।